हेलो दोस्तों, मैं हूं रेखा और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते। आज मैं बना रही हूं सोयाबीन की बहुत ही टेस्टी सब्जी। यहां पर जो मैंने सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए सामान लिया है वो है आलू, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, एक नींबू और ये है सोयाबीन बड़ी। मैंने लिए हैं कच्चे आलू, आप बॉयल आलू भी ले सकते हैं। आलू को मैंने मीडियम साइज में काट लिया है। की बारी, इनको मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिया था। इसमें अब हम एक नींबू ऐड करेंगे, थोड़ा सा नींबू का रस इसमें लेंगे। नींबू के रस को ऐड करने से इसमें हल्का सा खट्टापन आ जाता है। जब बड़ी फूल जाए तो इन्हें इस पानी से अच्छे से निचोड़ कर अलग निकाल दें। सोयाबीन बड़ी में टेक्सचर लाने के लिए उनको हम सैलो फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल, ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये सोयाबीन की बड़ी। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इन्हें फ्राई करते रहना है। ये देखो हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं। ये अब इन्हें हम अलग निकाल देंगे। अब इसमें आलू भी फ्राई करेंगे हम। आलू को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आलू भी हो गए हैं हमारे गोल्डन ब्राउन, हल्के से पक चुके हैं ये। अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे एक बाउल में। जो एक्स्ट्रा तेल है उसको हम एक कटोरी में निकाल देंगे। थोड़ा जीरा, ये है तो पहले डालेंगे हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे हम प्याज। प्याज को भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हो गया हमारा हल्का सा ब्राउन। अब इसमें हम करेंगे टमाटर ऐड। टमाटर को पकाने के लिए उसमें करेंगे नमक ऐड स्वाद अनुसार। तो साथ ही साथ इसमें कर देंगे हम मसाले ऐड, जो बेसिक मसाले होते हैं धनिया, लाल मिर्च, हल्दी।
मसाले को पकाने के लिए इसमें रख देंगे हम ढक्कन। मसाले को चेक करते हैं एक बार अपना। मसाले ने हल्का हल्का तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखो टमाटर पक चुके हैं। थोड़ा सा और पकाएंगे इसको। हमारे मसाले हो गए हैं तैयार। अब इसमें हम डालेंगे ये बड़ी और साथ ही आलू। मसाले के साथ आलू और बड़ी को अच्छी तरह से भुनेंगे। दो तीन मिनट ऐसे ही भुनने देंगे। सब्जी में ऐड करेंगे कसूरी मेथी। अब मैं सब्जी में ऐड करूंगी गरम पानी। ये देखो कितना अच्छा कलर आया है। अब सब्जी को थोड़ा ढककर पकाएंगे। सब्जी में मैंने जो कसूरी मेथी ऐड की है वो सब्जी को और भी लाजवाब बना देती है। ग्रेवी भी हो गए एकदम परफेक्ट। है ना दोस्तों बढ़िया।